प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुर्सलीन अम्मा बाद फअऊजु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मती चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मेरा प्यारा दीन। मेरा प्यारा दीन। जी हाँ, प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मेरा प्यारा दीन। और इस प्रोग्राम में होते हैं इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स। इंशाल्लाह ताला नातखवां भी हमारे साथ मौजूद है, वो हमें बहुत प्यारा कलाम भी सुनाएंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मती चैनल के नाज़रीन, शुरू से आखिर तक ये प्रोग्राम देखिएगा। जी तो आज का सवाल भी करना है किड्स मती चैनल के नाज़रीन से। जी तो आज का सवाल क्या है निहाल भाई? आज का सवाल हमजा भाई आपके पास। अच्छा, आज का सवाल मैं बता देता हूँ। आज का सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हों की शहादत किस इस्लामी महीने में हुई? ये आज का सवाल है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हों की शहादत किस इस्लामी महीने में हुई? माशाल्लाह, ये आज का सवाल है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मती चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं जिसका नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा बच्चों और किड्स मदर चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है एक प्यारी हदीस। इस आवाज में एक प्यारी हदीस। प्यारे बच्चों और किड्स मदर चैनल के नाज़रीन, एक प्यारी हदीस हम याद भी करेंगे, लेकिन उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा चैनल के नाज़रीन, आज की हदीस पाक आइए याद भी करते हैं और सुनते भी हैं। कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। तर्जमा, अल्लाह पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं। आइए हदीस पाक को याद करते हैं। उहुदुन 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 जबलुन जबलुन उहुदुन 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 उहुदुन जबलुन जबलुन उहुदुन जबलुन उहुदुन जबलुन युहिब्बुना 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 व नुहिब्बुहु व नुहिब्बुहु व नुहिब्बुहु व नुहिब्बुहु। अहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, अहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं, और हम उससे मोहब्बत करते हैं, और हम उससे मोहब्बत करते हैं, और हम उससे मोहब्बत करते हैं। अहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, अहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं, और हम उससे मोहब्बत करते हैं। उहुदुन जबलुन उहुदुन जबलुन युहिब्बुना युहिब्बुना व नुहिब्बुहु व नुहिब्बुहु उहुदुन उहुदुन जबलुन जबलुन। ये दो अल्फाज किसको याद हुए? अनस भाई सुना। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم उहुदुन जबलुन। माशाल्लाह, उहुदुन जबलुन। इरफान भाई। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد جبال يحبنا ونحبه ما شاء الله احد پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں ما شاء الله پوری حدیث پاک عرفان بھائی نے سنا دی احد جبال احد جبال احد جبال يحبنا 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 و
बहुत पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं और हम उससे मोहब्बत करते हैं। पहले हमने दो वर्ड याद किए, उसके आगे के दो वर्ड भी याद करते हैं। बहुत पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। बहुत पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। कौन सा नायक? पूरी हदीस है बा। उहुदुन जबलुन व यु युहिब्बुना। उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व युनिहिब्बुहु। व नुहिब्बुहु। माशाल्लाह। बहुत पहाड़? बहुत पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह। बहुत पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। उहुदुन जबलुन युहिब्बुना। तीन वर्ड कौन सुनाएगा? उहुदुन जबलुन युहिब्बुना। प्यारे प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं आपके आपकी कुछ पिक्चर्स की जाने। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु इमादुद्दीन। तर्जमा, नमाज दीन का सुतून है। नमाज दीन का सुतून है। किड्स मदनी चैनल भी लिखा है, माशाल्लाह ट्रेन चल रही है हमजा भाई, और उस पर लिखा है किड्स मदनी चैनल, और नाम है इनका बिनते मोहम्मद अरशद अत्तारिया, शहर है शाहजहानिया। बहुत ही प्यारा अंदाज है इन्होंने, बहुत ही अच्छे जब पिक्चर बनाई। नेक्स्ट, एक प्यारी हदीस। قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقیموا الصلاه نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ آئی لو مدنی چینل، ماشاءاللہ بنت اسلم اتاری بنت محمد اسلم اتاریہ، شہر ہے ان کا شیخ فاضل، اور انگلش میں انہوں نے متنی مقصد بھی لکھا ہے ماشاءاللہ جی۔ نیکسٹ، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اکثر من الدعاء دعا ज्यादा करो۔ بنت محمد ارشد اتاریہ شاہجہانیہ۔ نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، بنت محمد ارشد اتاریہ شاہجہانیہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے حدیث پاک لکھی۔ حمزہ بھائی، مدینہ منورہ کا گنبد شریف بھی بنانے کی کوشش کیا اور خانہ کعبہ بھی بنانے کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چاند کو چاند کے اوپر انہوں نے تسبیح بھی بنائی، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، ماشاءاللہ، بنت محمد ارشد اتاریہ شاہجہانیہ نے حدیث لکھی ہے، ایک پیاری حدیث، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اکرم العلماء، علماء کرام کی عزت کرو۔ اکرم العلماء، ترجمہ علماء کرام کی عزت کرو۔ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، ماشاءاللہ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدی، ترجمہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بنت محمد ارشد اتاریہ شاہجہانیہ، ماشاءاللہ، کڈس مدنی چینل بھی لکھا ہے، اور میرا پیارا دین کا سیٹ بنانے کی بھی، ماشاءاللہ، میرا پیارا دین کا سیٹ بنانے کی بھی کوشش کی ہے، اور چیئرز بھی لگائی حمزہ بھائی جی، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، یسرو، ترجمہ آسانی پیدا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ یسرو، آسانی پیدا کرو۔ آئی لو کڈس مدنی چینل، وی لو دعوت اسلامی۔
مریم نور اتاریہ بہاول نگر. ماشاءاللہ اچھے انداز میں آپ نے حدیث پاک لیے. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, یہ تھی آپ کی کچھ پکچرز جو ہم نے اپنے پروگرام میرا پیارا دین میں شامل کی. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالس کی جانب. رانان کنیزہ فاطمہ, میں آپ کو حدیث سناؤں گی. الدعاء صفۃ حر رحمتی, جزاک اللہ خیر. الدعاء مفتاح الرحمتی, کیا ہے یہ حدیث پاک؟ الدعاء مفتاح الرحمتی, تو اس کو آپ درست کر لیجیے. نیکسٹ. میرا نام سیدہ عشفت تاریہ ہے, میں ڈیرا غازی خان سے بات کر رہی ہوں. نیال بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہے محرم الحرام. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین. انشاء اللہ ہمارا درست جواب کیا ہے؟ محرم شریف میں ہوئی. کیا ہوئی پیارے بچوں؟ آج سوال ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ کب ہوئی؟ محرم شریف میں ہوئی. محرم شریف میں ہوئی, ماشاء اللہ. نیکسٹ. درمانا ہے, آج کے سوال کا جواب ہے محرم. اچھا, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ. آج کے سوال کا جواب محرم ہے. آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ. میرا نام ابو لیلا ہے, میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا نام لے سناؤں گا. اصحابی نبی جنتی جنتی, اصحابی نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, ماشاء اللہ. نیکسٹ. ون. میرا نام احمد عبید رضا ہے, میں میاں والی کے گاؤں سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, میرا تو موعود مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے, اس کا درست شعر کیا ہے؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. ہال. فاطمہ تاریہ من جناب آپ سے, میں آج آپ کو پویم سنائیں گے. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. سبحان چاند کو بھی چمکایا ہے, واو زمین کا فرش بچھایا ہے, ہوا کو چلنا سکھایا ہے. ماشاء اللہ, زمین کا فرش بچھایا ہے, ہوا کو چلنا سکھایا ہے, جو بھی ہم نے پایا ہے سب کچھ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, جو بھی ہم نے پایا ہے سب کچھ رب نے بنایا ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد ابوبکر ہے, میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. سید نیاز بھائی, مجھے آپ کا سلسلہ میرا پیارا دین بہت بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو نعرے سناؤں گا. نعرے سنائیے. نبی جنتی جنتی, چار یارانے نبی جنتی جنتی, سر چھو جائے نبی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, یہ تھی آپ کی کچھ کالس. آئیے میں آپ کو سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. آج کا سوال کڈس مدری چینل کے ناظرین سے یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ اس کے درست جوابات بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. میرے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے سنت اور سائنس. میرا پیارا دین. سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور سائنس. تیز آواز میں سنت اور سائنس. سنت اور پیارے بچوں, ہمارا پیارا پیارا دین اسلام ایک سچا پیارا اور کامل دین ہے. ایک سچا پیارا اور
कामिल दीन है जो जिंदगी के हर हर मोड़ पर हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है, हमें अपनी लाइफ गुजारने का पूरा तरीका सिखाता है कि हमने किस तरह सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। सोने उठने, खाने पीने, चलने फिरने वगैरह हर चीज की सुन्नतें और आदाब सिखाता है। आज हम सुनेंगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज क्या था और इसके साइंसी फायदे भी आज हम सुनेंगे। इसके साइंसी फायदे भी हम सुनेंगे। हदीस पाक में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो किसी कदर आगे झुक कर चलते, गोया कि आप बुलंदी से उतर रहे हो, गोया कि आप बुलंदी से उतर रहे, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे की तरफ झुककर चलते थे, गोया कि आप बुलंदी से उतर रहे हैं। यानी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने के अंदाज में पाँव के पंजों पर वजन ज्यादा पड़ता था, पाँव के पंजों पर, पंजों होते ना पाँव के, उस पर वजन ज्यादा पड़ता था। और इस तरह चलने के बहुत सारे साइंसी फायदे भी हैं। इस तरह सुन्नत के मुताबिक चलने वाला जोड़ों के मर्ज से महफूज रहता है, जोड़ों के मर्ज से महफूज रहता है। इस तरह चलने वाला लंबे सफर में जल्दी नहीं थकता, लंबा सफर हो तो जल्दी नहीं थकता। कौन नहीं थकता? जो इस तरह चले, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अपनाए, वो लंबे सफर में जल्दी नहीं थकता। सफर जल्दी और आसानी से हो जाता है, सफर जल्दी और आसानी से हो जाता है। इस तरह चलने से निगाहें तेज होती हैं, निगाहें तेज होती हैं। इस तरह चलने से निगाहें तेज होती हैं। हमने क्या क्या फायदे सुन लिए अभी तक? जोड़ों के मर्ज से शिफा से महफूज रहता है और लंबे सफर में जल्दी नहीं थकते, जल्दी नहीं थकते। सफर जल्दी और आसानी से हो जाता है। इस तरह चलने से निगाहें तेज होती हैं और साथ ही आसाबी खिंचाव और बेचैनी भी खत्म होती है। माशाल्लाह, आसाबी खिंचाव और बेचैनी भी खत्म होती है। क्या क्या फायदे सुन लिए? जोड़ों के मर्ज से महफूज रहते हैं और जो है लंबे सफर में पांव पंजे दर्द नहीं होते, लंबे सफर में जल्दी नहीं थकते, और क्या, नजरें तेज होती हैं, निगाहें तेज होती हैं। और इसके अलावा एक और भी सुना है, सफर जल्दी और आसानी से हो जाता है, सफर जल्दी और आसानी से हो जाता है। और एक लास्ट में भी हमने सुना, और साथ ही साथ आसाबी खिंचाव और बेचैनी भी खत्म हो जाती है, आसाबी खिंचाव और बेचैनी भी खत्म हो जाती है। प्यारे बच्चों, क्या सीखा हमने आज इस सेगमेंट सुन्नत और साइंस में? कौन बताएगा? कोई फायदा ही बता दे ऐसे चलने का। पंजों पे वजन ज्यादा होता है, पंजों पे वजन ज्यादा होता था और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर झुक के चलते थे कि गोया लगता कि आप अलैहिस्सलाम बुलंदी से उतर रहे हैं, बुलंदी से उतर रहे हैं, यानी ऊंचे ऊंचाई से उतर रहे हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा चैनल के नाज़रीन, आपको चाहिए कि इस सुन्नत पर भी अमल करें। इंशाल्लाह हमें सुन्नत का सवाब भी मिलेगा और अल्लाह पाक की रजा भी हासिल होगी और साइंसी फायदे भी अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा चैनल के नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है कलाम, सेगमेंट है कलाम। और कलाम सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमजा भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हमजा भाई, आज आप हमें और किड्स मती चैनल के नाज़रीन को कौन सा कलाम सुनाएंगे? वो सूरह आला ज़ार फिरते हैं। माशाल्लाह जी, सुना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैहि हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، وہ سوئے سوئے لا
सोए ला जार धीरे तेगे जो तेरे दर से आर धीरे तेगे जो तेरे तेरे दिन गए
माशाल्लाह हमजा भाई आपने जो है बहुत ही प्यारा कलाम बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ा। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको भी हम सबको बार बार मीठे मीठे मदीने की बादब हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मती चाहे के नाजरीन, आज का सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्यारे बच्चों आज का सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अनु की शहादत किस इस्लामी महीने में हुई। सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अनु की शहादत किस इस्लामी महीने में हुई। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कॉल याद करें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों सेगमेंट है कॉल याद करें। यहाँ सेगमेंट है कॉल याद करें। प्यारे बच्चों कॉल है, मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है। मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है। प्यारे बच्चों ये कॉल हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह अजान सुनने का बहुत एहतमाम फरमाते। जिस वक्त अजान होती तो पूरे घर में सन्नाटा छाता सन्नाटा जाता। आप रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है। मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है। नमाज है, लिहाजा नमाज के औकात में मुसलमानों के घरों में ईद की तरह चहल पहल और रौनक होनी चाहिए। ईद की तरह चहल पहल और रौनक होनी चाहिए नमाज के औकात में। हर कोई नमाज की तैयारी में नजर आना चाहिए, स्पेशली फजरों इशा में हर घर के हर कमरे में रोशनी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों अब कॉल याद करते हैं, मेरे साथ पढ़ें, मुसलमान की असल खुशी और रौनक 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 नमाज है नमाज है नमाज है नमाज है नमाज है नमाज है मुसलमान की असल खुशी और रौनक 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 नमाज है। मेरे साथ पढ़ें, मुसलमान की असल खुशी और रौनक मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है नमाज है नमाज है नमाज है मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है। याद होगी सबको? जी जी इरफान भाई, मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है। माशाल्लाह। जी अनस भाई, मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है। जी अब आप सुने, नमाज मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है। जी हमदा भाई आपको याद हो गई, सुनाए फिर। मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है। जी हाँ, मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है। प्यारे बच्चों आज का कॉल क्या है कि मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मती चाहे के नाज़रीन, यहाँ पर जो है बच्चों को ये कॉल याद हो चुका है और याद हो भी रहा है। प्यारे बच्चों अगर आपको कॉल याद नहीं हुआ तो आप कॉल याद कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज का सेगमेंट कॉल याद करने में हमने आज बहुत ही प्यारा कॉल याद किया कि मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा चैनल के नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं जिसका नाम है करामाते सहाबा। मेरा प्यारा माशाल्लाह, प्यारे बच्चे सेगमेंट का नाम है करामाते सहाबा। तेज आवाज में करामाते सहाबा। प्यारे बच्चों हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह अन्हु की क्या ही बात है। आप रदी अल्लाह अन्हु की मुसलमान हो जाने से इस्लाम और मुसलमानों को बहुत ज्यादा पावर मिली, बहुत ज्यादा पावर मिली। आप रदी अल्लाह अन्हु को असदुल्लाह व असदुर रसूल यानी अल्लाह और रसूल का शेर कहा जाता है, अल्लाह और रसूल का शेर कहा जाता है। और ये टाइटल आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। आइए आप रदी अल्लाह अन्हु की एक करामत सुनते हैं। शेख महमूद ने आप रदी अल्लाह अन्हु की कब्र पर हाजिर होकर सलाम अर्ज किया तो आप रदी अल्लाह अन्हु ने कब्र के अंदर से बावाज़े बुलंद उनके सवाल का जवाब दिया और इरशाद फरमाया
کہ اے شیخ محمود تم اپنے لڑکے کا نام میرے نام پر حمزہ رکھنا, میرے نام پر حمزہ رکھنا. چنانچہ جب اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تو انہوں نے اس کا نام حمزہ رکھا, اس واقعے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کچھ کراماتیں معلوم ہوئیں. نمبر ون, آپ نے قبر کے اندر سے شیخ محمود کے سلام کو سن لیا اور دیکھ بھی لیا کہ سلام کرنے والا شیخ محمود ہے, پھر آپ نے سلام کا جواب شیخ محمود کو سنا بھی دیا. حالانکہ دوسرے قبر والے سلام کرنے والوں کے سلام کو سن تو لیتے ہیں اور پہچان بھی لیتے ہیں, مگر سلام کا جواب سلام کرنے والوں کو سنا نہیں سکتے. نمبر ٹو, سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تو کو اپنی قبر شریف کے اندر رہتے ہوئے یہ معلوم تھا کہ ابھی شیخ محمود کا کوئی بیٹا نہیں ہے, مگر آئندہ ان کو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے گا, اس لیے تو آپ نے حکم دیا کہ اے شیخ محمود تم اپنے لڑکے کا نام میرے نام پر حمزہ رکھنا, یعنی آپ رضی اللہ عنہ قبر شریف کے اندر موجود ہیں, مزار شریف کے اندر موجود ہیں, اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ شیخ محمود کا ابھی تو کوئی بیٹا نہیں ہے, لیکن جب ہوگا تو اس نے اس کو حکم دیا کہ تم اپنے لڑکے کا نام میرے نام پر حمزہ رکھنا. نمبر تھری, آپ نے سلام کا جواب اور بیٹے کا نام رکھنے کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ اس قدر بلند آواز سے فرمایا کہ شیخ محمود نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا, کرامات بھی ہم نے سنی. کیا کیا کراماتیں ظاہر ہوئیں, کتنی کراماتیں تھیں؟ تینوں کراماتیں ہم نے سنی. سبحان اللہ, پیارے پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین, اللہ پاک کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر رحمتیں, کروڑوں رحمتیں ہوں, اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو, ماشاء اللہ. پیارے بچوں, آئیے بڑھتے آپ کے کچھ کالز کی طرف. میرا نام عائشہ نور تاریا ہے, میں عرب شریف سے. مجھے میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے, میں آج آپ کو ایک پوئم سناؤں گی. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے, سب کچھ اللہ نے بنایا ہے, جو بھی ہم نے پایا ہے سب کچھ رب نے بنایا ہے, جو بھی ہم نے پایا ہے سب کچھ رب نے بنایا ہے, ماشاء اللہ. ہر صحابی ہے نبی, جنتی. سب صحابیات بھی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی. اور عثمان بھی جنتی. ماشاء اللہ, عثمان غنی جنتی. ماشاء اللہ جی, آپ نے جو ہے ہمیں بہت پیاری پوئم بھی سنائی. کیا تھے؟ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے, ماشاء اللہ. اور آپ نے نعرے بھی لگائے, اور آپ کو جو ہے پروگرام میرا پیارا دین اچھا لگتا ہے, تو آپ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. جی, نیکسٹ کال. میرا نام محمد احسن رضا ہے, میں احسن بھائی میں آئی ہوں, نعرے لگاؤں گا. جنتی. پیارے رانے نبی جنتی. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام شاہد امانت آئی ہے, شاہد پیس کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیار بہت اچھا لگتا ہے. میرے پیارے پیارے نیاز بھائی, میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ محرم الحرام میں آج آپ کو امیر اہل سنت کی منقبت سناؤں گا. امیر اہل سنت کی مسلک کا تو امام ہے, تدبیر تیری کام ہے میرے پیر کا, یہ نام ہے الیاس قادری. ہمارے پیر کا نام کیا ہے؟ الیاس قادری. آمین. ماشاء اللہ, آپ نے آج کے سوال کا جواب دیا,
और सही जवाब क्या है कि मुहर्रम शरीफ में हुई। सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अनु की शहादत किस इस्लामी महीने में हुई, और जवाब है मुहर्रम शरीफ में हुई। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मुहर्रम। इंशाल्लाह इन्होंने जवाब दिया मुहर्रम और इनका जवाब भी दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद रियान रजा अख्तारी। रियान रजा अख्तारी सुना सुनाऊंगा ना सुनाएंगे। सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती बकर उमर जन्नती जन्नती उस्मान अली जन्नती जन्नती। नेक्स्ट वन। मेरा नाम अहमद रजा है, मैं कराची शरीफाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन की शहादत मुबारका 10 मुहर्रम अल हराम को हुई। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती और उस्मान गनी जन्नती जन्नती और अबू सुफयान भी जन्नती जन्नती। इंशाल्लाह माशाल्लाह 10 मुहर्रम शरीफ को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई माशाल्लाह। नेक्स्ट वन। सैयदा दुजा जालूर है, मैं डेरा गाजी खान से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है मुहर्रम उल हराम। हुसैन तुझको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुझको जमाना सलाम कहता है। किस्मत चैनल आमीन माशाल्लाह। आपने आज का जवाब दिया और जवाब क्या है कि मुहर्रम शरीफ में हुई। मुहर्रम शरीफ में हुई। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती है। हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती है। हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती माशाल्लाह। नेक्स्ट वन। मेरे प्यारे निहाल भाई, मैं हूँ मोहम्मद जाजान अत्तारी कराची से। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है मुहर्रम शरीफ। जज़ाकअल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल चैनल। जाजान भाई थे माशाल्लाह, उन्होंने सवाल का जवाब भी दिया और दुरुस्त जवाब क्या है मिर्ज़ा भाई? मुहर्रम शरीफ में हुई। सवाल क्या है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किस इस्लामी महीने में हुई, और इसका दुरुस्त जवाब है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत मुहर्रम शरीफ में हुई। मुहर्रम शरीफ में हुई। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद खावर है और मैं खानेवाल से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है कि इमाम हुसैन की शहादत मुहर्रम अल हराम में हुई। मेरा प्यारा दीन मेरा प्यारा दीन मेरा प्यारा दीन मेरा प्यारा दीन। इंशाल्लाह मेरा प्यारा दीन मेरा प्यारा दीन मेरा प्यारा दीन जिंदाबाद। मेरा प्यारा दीन जिंदाबाद। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। सब सहाबियत भी जन्नती जन्नती। हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती। और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। उस्मान गनी जन्नती जन्नती। फातिमा और अली जन्नती जन्नती। हजरत मुआविया जन्नती जन्नती। और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। वालिदैन नबी जन्नती जन्नती। सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आज के सवाल का जवाब दुरुस्त जवाब हम सभी का था मुहर्रम शरीफ में हुई। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत मुहर्रम शरीफ के मुबारक महीने में हुई। प्यारे बच्चों आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में बहुत सारी मालूमात के साथ। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। मेरा प्यारा सिले देख के सबके दिल खिले। मदनी चैनल आ गया बच्चों का, आ गया बच्चों का मदनी चैनल आ गया।
गया।